दोस्तों अगर आप भी स्मृति मंधाना को खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों पहली बार हो रही वुमेन्स आईपीएल की नीलामी में स्मृति मंधाना पर हुई पैसों की बारिश। आरसीबी की टीम ने दिया इतने करोड़ का ऑफर, तो रोते हुए कोहली के लिए स्मृति ने जो कहा वो सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो पूरा बयान आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत और सैफ अली वर्मा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी आज यानी कि 13 फरवरी को मुंबई में आयोजित की गई। हालांकि दोस्तों इसमें बड़े से बड़े टीम की फ्रेंचाइजियों ने भाग लिया और यहां पर कुछ खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बरसात हुई, तो वहीं कुछ खिलाड़ी इस दौरान बिक भी नहीं पाए। लेकिन दोस्तों अब हर किसी को उम्मीद थी कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश होगी, और दोस्तों ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया। जब फर्स्ट सेट की नीलामी की गई तो उस बीच स्मृति मंधाना को सबसे ज्यादा 3.40 करोड़ रुपए की रकम देकर आरसीबी की टीम ने खरीदा। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में अब स्मृति मंधाना शामिल हो चुकी हैं, जहां 3.40 करोड़ में बिकने के बाद यहां पर एक के बाद एक खिलाड़ियों की बोली लगने लगी। यहां पर फिर हरमनप्रीत कौर 1.80 करोड़ रुपए में बिकी, तो वहीं सोफी डिवाइन 50 लाख में बिकी, एशले गार्डनर 3.20 करोड़ में गुजरात जायंट्स की टीम का हिस्सा बनी, तो वहीं एलिस पेरी 1.70 करोड़ की धनराशि के साथ आरसीबी की टीम के साथ जुड़ी, और वहीं सोफी एक्लिस्टोन यूपी वॉरियर्स की टीम में शामिल हुई है 1.80 करोड़ में। बाकी दोस्तों हम आपको बता दें कि यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि बस भारत के ही खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हुई हो, देश विदेश के खिलाड़ी भी खूब महंगी रकमों पर बिके हैं। बाकी आप सब यहां पर लिस्ट में भी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि इस बार मुंबई इंडियंस और आरसीबी की टीम वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां मुंबई इंडियंस की टीम में नेट स्काइवर जैसी खिलाड़ी शामिल हैं, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में स्मृति मंधाना। लेकिन दोस्तों सबसे महंगी स्मृति मंधाना ऑक्शन में बिकने के बाद आखिरकार भावुक हो गई, और इस बीच उन्होंने कोहली पर बोला कि आरसीबी की टीम का हिस्सा बनकर मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है। मैं हमेशा से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए खेलना चाहती थी और मेरा ये सपना बस कोहली भैया की वजह से पूरा हो पाया है। हमारी टीम के किसी भी खिलाड़ी ने ये नहीं सोचा था कि कभी हमारा वुमेन्स का भी आईपीएल करवाया जाएगा, लेकिन बीसीसीआई ने हमारे सपनों को साकार किया है। बीसीसीआई ने ये बड़ा कदम जरूर उठाया है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि वुमेन्स आईपीएल को हम मेंस आईपीएल के बराबर लेकर आए और उतना ही रोमांचक भी बनाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आईपीएल को सफल करने के लिए, और मैं तो हमेशा से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए खेलना चाहती थी, इसीलिए मैंने कोहली भैया से बात की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि बेंगलोर की टीम में तुम्हें जरूर शामिल कर लिया जाएगा, और उन्हीं की बदौलत यहां बेंगलोर फ्रेंचाइजी ने मुझे शामिल किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। अगर वो कोशिश ना करते तो शायद मैं बेंगलोर की फ्रेंचाइजी में कभी जुड़ी नहीं पाती, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं और इस बार अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को विजेता जरूर बनाऊंगी। तो दोस्तों ऐसी बातें कहकर स्मृति मंधाना ने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो कि स्मृति मंधाना जो कह रही है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा।